श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बनाने जा रही हूँ देसी तरीके में मटन। मटन तो सभी के घरों में बनते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि आप लोग कमेंट में कैसे बनाते हैं मटन। बनाने के लिए मैंने यहाँ कुकर रखा है। कुकर में मैंने तेल डाल लिया, तेल हम हो गई हमारे गरम। अब हम इसमें डालेंगे पत्रज, ये जीरा, लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अभी इसको प्याज को ब्राउन होने तक हम भूंजेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। प्याज लाल होने लगी है, हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम भून लेंगे। इसमें डालेंगे काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाला पकने के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मटन। इसको मैंने अच्छे से भून के दस से पंद्रह मिनट भूंजेंगे हाई फ्लेम पे। मटन हमारी भून गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, गरम मसाला और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। उसके बाद हम इसको सीटी लगा के दो सीटी लगने देंगे। सीटी लगने के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी सीटी लगेगी। उसके बाद मैं आप लोग को खोल के दिखाऊंगी। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो खाना बनाने नहीं आता। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं। सीटी हमारी आ रही है। चलिए सीटी हमारी लग गई है। अब मैं खोल के आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी चिकन हो गई है मेरी। अब मैं इसको दिखाती हूँ। मटन हो गई है रेडी। अब चावल रोटी के साथ खाए।